कोरोना महामारी संक्रमण की दूसरी लहर शहरवासियों के लिए बेहद घातक साबित हो रही है। कोविड 19 की बढ़ती रफ्तार लगातार देशवासियों की जान ले रही है। इसी कोरोना लहर के बीच भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक भवानी सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी इस दुनिया को अलविदा कह चले। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी संक्रमण का कहर पूरे देश पर अपना ब्रजपात कर रहा है। कोविड 19 की रफ्तार से मृत्यु दरों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बढ़ती कोविड लहर ने भारतीय जनता पार्टी के सह प्रचारक भवानी सिंह को भी इस दुनिया से छीन लिया। भवानी सिंह का हैदराबाद अस्पताल में इलाज चल रहा था, बीते दिन उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसी कोरोना की बढ़ती लहर ने 7 बार सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को भी दुनिया से छीन लिया। कोरोना संक्रमण अजीत सिंह के फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसका गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उन्होंने अपने जीवन काल की अंतिम सांस ली। चौधरी अजीत सिंह की मौत की खबर सुन पश्चिमी यूपी और किसानों में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को चौधरी अजीत सिंह और उनकी पोती को कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान हालत नाजुक होने पर रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पोती कोरोना की जंग जीत चुकी है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।